which has been done for 2 days. Now, today onwards, there will be a detailed survey, scientific survey of the Gyan Wapi complex, which has been given a clearance by the Supreme Court as well. You can see the first time the survey for the third day. It has been said that the survey will be begun at approximately after 8 a.m. in the morning and बिल्कुल हम आपको श्रद्धालुओं का देखिए कल जो बेसिक प्रोसीजर ये है कि वहाँ पे जो इमेजिंग का काम था, मैपिंग का काम था, एक जगह को साफ सफाई करने का काम था, वो सारी चीज़ें की हैं और जितना भी काम हो रहा है वो सारा मैं बताना चाहता हूँ नॉन इन्वेजिव मेथड से हो रहा है और मॉडर्न टेक्निक्स के हिसाब से हो रहा है। एएसआई की जो टीम है वो यहाँ पे बाकायदा इंस्टॉल्ड है और अपना काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल इस पूरे प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है और आज से मैं भी इस सर्वे में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। चार हफ्ते का टाइम दिया है, अब देखिए ये कहना भी बहुत मुश्किल है कि चार हफ्ते लगेंगे कि दो हफ्ते में हो सकता है कि कितना समय लगेगा, ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। पर हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सर्वे का काम शुरू हो गया। ये एक बहुत ही टेक्निकल और साइंटिफिक सर्वे है जिसमें ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि स्ट्रक्चर के नीचे क्या है, ये जो वेस्टर्न वॉल है इसकी एज कितनी है और क्या ये कोई नया कंस्ट्रक्शन है जो औरंगजेब ने 1669 में बनाया था या उससे पहले से बनी हुई इमारत है। इसके नीचे जो है वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, GPR किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आगे आने वाले समय में होने वाली हैं और जैसे जैसे सर्वे प्रोसीड करेगा, प्रोग्रेस करेगा, वील कीप ब्रीफिंग। देखिए अभी सर्वे का कार्य 2 दिन का हुआ है जैसा कि मैंने बताया और बेसिक बात यही है कि मैपिंग का काम, इमेजिंग का काम ये सब हो रहा है और इसी तरह से काम आगे बढ़ता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसको निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ने की हरी झंडी दे चुका है और इसीलिए आज से मैं भी इस सर्वे में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। अभी कितना समय लगेगा ये तो वहाँ अंदर जाके पता चलेगा। मैं 2 दिन तक लीगल प्रोसीडिंग्स में बिजी था, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उन ऑर्डर्स को डिफेंड करने में। तो आज मैं पहली बार सर्वे में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ तो मैं अंदर जाके एक बार सर्वे को देखता हूँ। सर्वे शुरू हो गया अभी सर? सर्वे शुरू हो गया इसलिए मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। कल से बात नहीं है एंड वी आर नॉट गोइंग टू आफ्टर एनी पोर्शन या पार्ट ऑफ एसआई सर्वे। Sir, we have heard somewhere that the Muslim side is not supporting, but today you are over here. How do you see this overall? Till yesterday, we are not participating. But today we are... थोड़ी सी पीछे कर लीजिए, थोड़ी पीछे, आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही। The SI team, where you required. So you people are totally saturated from the SI team? Still the function of the SI कोर्ट जाने का क्या कुछ तारीख वगैरह? अपना काम नहीं है तो अभी यहाँ सर्वे में कौन कौन है? मुस्लिम पक्ष हमारे यहाँ एडवोकेट है, जॉइंट सेक्रेटरी है और मेंबर और हैं।
कल जो कार्रवाई हुई और आज जो कार्रवाई चल रही है उससे आप लोगों को क्या अभी लग रहा है, चीजें सही जा रही हैं जो आप लोग? नहीं, उनका सर्वे अभी आज हम लोग थे, आज हम लोगों को सामने जो हुआ वो अपने हिसाब से सही कर रहे हैं। सर्वे में कुल कितनी टीमें हैं और कहाँ का सर्वे हो रहा है? अंदर का मस्जिद के अंदर खाना खोलने की भी बात चल रहा है। यार एक सवाल तक लोग कितनी का पूछो, मस्जिद के अंदर का हो रहा है तभी खाना कहाँ चले है? जब वहाँ से फ्रिज का लेते हो ना बाहर आए तब तक खाने जाएंगे। कोई मशीन वगैरह कुछ ऐसी चीज़? अभी मशीन नहीं लगी, कोई मशीन नहीं लगी अभी नहीं। आप लोगों ने अभी सिर्फ मेजर कर रहे हैं, नाप मेजरमेंट कर रहे हैं, मैप बना रहे हैं, जो वहाँ पे डिजाइनिंग है उसको वो ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने कैमरे से, अपने वीडियोग्राफी से, जो उनको जो उनकी उनके सिस्टम से जो है उसको कर रहे हैं। उसमें किसी की न तो बोल न बोलने का आवश्यकता है, न किसी से वो असिस्टेंट लेंगे। आप लोगों ने जो पेपर वर्क कर रहे हैं अभी, हाँ आप लोगों ने जो कोर्ट में मांग रखी थी कि कहीं कोई नुकसान ना होना चाहिए, कहीं खुदाई नहीं, ऐसी कोई चीज हो नहीं, कोर्ट ने कह दिया वो कर नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट कर दिया है कि नहीं, विदाउट डिगिंग विदाउट आर्मी बिल्डिंग परमिट किया गया। ये बातें आ रही थी कि कुछ मिट्टी उट्टी का सैंपल वैंपल लिए हैं, कुछ नहीं लेना उनको भाई, कुछ नहीं लेना मना किया है। मुमताज साहब एक थोड़ा सा कंफ्यूजन था, हिंदू पक्ष की तरफ से कुछ लोगों ने कहा कि कुछ मलबा है जिसको हटाया जाएगा, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक वो मलबा हटाने की अनुमति मिल सकती है, हटाया जा सकता है? कुछ नहीं करना उनको, न तो हटाना है, न छोड़ना है, न खोदना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ नेकेड आई से और मशीन से जो देख कर सकते हैं वो करना उनको। क्या है रेखा जी, कल पहले दिन की कार्रवाई हुई, अब आज क्या लग रहा है, आज कौन सी तकनीक होगी? आज देखिए अब अंदर जाने के बाद में पता चलेगा कौन सी तकनीक होगी। आप तो विष्णु शंकर जी भी आ गए हैं। हाँ तो भैया आ गए तो उनके साथ हम लोग चलेंगे। ये बताइए कल क्या क्या हुआ, कल कहाँ 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 हुआ था? जो पिछले सर्वे में दिखाई दे रहा है वही हुआ है, अभी नया कुछ नहीं हुआ। अभी नया कुछ नहीं हुआ, उसी पर फोकस। आप तो मुस्लिम पक्ष भी शामिल हो गया है, अच्छा अच्छी बात है, हम लोग के साथ मतलब सहयोग करेंगे तो और अच्छी बात है। कल तक खाने की चाबी क्यों नहीं मिल रही थी? तो आज मिलेगी ना, आज हो सकता है मिलेगी। क्या दिक्कत आ रही थी? कल तो लोग नहीं थे ना, कल सुप्रीम कोर्ट के मतलब ऊपर था ना। और यासीन जी ने कहा है कि हमने चाबी, हमसे चाबी मांगी ही नहीं गई थी। अब जाने दे, जो बात कर रहे हैं वो सही कह रहे हैं। ये बताइए जो सील बंद लिफाफे की मांग हो रही थी वो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जिला जज के पास ही इसको जाना चाहिए, वही फैसला लेंगे इसका, तो ये सही है? इसके बारे में ये मतलब सही नहीं है, मतलब कि मतलब खुले इसके बारे में भैया से पूछ सकते हैं, टेक्निकल पॉइंट उन्हीं बता सकते हैं। खनन जो खनन है उसको मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि खनन किसी तरह का नहीं होगा। अब तो आजकल इतने वैज्ञानिक विधि से मतलब आ गया है कि नीचे से पता चल गया है, चेहरा देखिए सामने कि अब क्या खुदाई होगा, जीपीआर टेक्नोलॉजी से 50 मीटर तक नीचे। ये चीज बताइए कि जिस तरह बाबा, जिस तरह से बाबा मिल गए थे, एरिया सील हुआ था, आप चाहिए जिस तरह से चिन्ह मिलते जाएंगे उसको भी सील किया जाए? अभी तो प्रशासन के ऊपर है, क्यों नहीं सील तो होना चाहिए, क्योंकि हमारा आगे कोई मतलब सबूत मिटाना न पाए, जो सबूत हम लोग का मिला सबूत हम लोग का बरकरार रहे।